सबा इज लाइक अ गेम चेंजर। सबा ने गेम ही चेंज कर दिया, पूरा 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 गेम चेंज कर दिया उसने तेरे बिन का। वो तो चली गई उसी के साथ, चल गया वो इंटर होगी। जब वो इंटर होगी उसके बाद जो डायलॉग की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी मुस्तसिम की तरफ से। बिन की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा। सबा ने काम कर दिया, दो बिछड़ों को मिला दिया, बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है ड्रामे का। मीरब और मुस्तसिम का आमना सामना 2 साल के बाद, मिलाने वाली सबा मिलती किस तरीके से, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। सबा इज लाइक अ गेम चेंजर। सबा ने गेम ही चेंज कर दिया, पूरा 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 गेम चेंज कर दिया उसने तेरे बिन का। सबा ने आगे के जो एंड टाइम पे जो गेम को चेंज किया है ना, वो मतलब मज़ा आ गया भाई। मतलब ऐसे गाड़ी जा रही होती है उसकी, गाड़ी में जाते हुए उसको नज़र आती है मीरब, मीरब बच्चे के साथ जा रही होती है उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, उसका बच्चा जख्मी हो जाता है, वहाँ पर उसको बिठा दिए गाड़ी में, सीधी लेके जाती है हॉस्पिटल, लेके जाएगी हॉस्पिटल में उसको सारी कहानी बताएगी कि तुम्हारे घर में क्या कहानियाँ हो रही हैं, मुर्तसिम साहब क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, मतलब वो क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। मुर्तसिम वो कहती है ये क्या कहानी हो रही है भाई, ये तो वो शादी करने जा रहे हैं भाई वो, और हया तैयार है, मतलब हया ने 95% अपना पूरा मिशन कम्प्लीट कर लिया, अब शादी होने ही जा रही है, तो शादी होने से पहले पहले वहाँ पहुँचो, पहुँचो जल्दी से, 2 साल तक वो तुम ठंडपोड़ा में बैठी रही हो तुम। तो सबा ने भी उसको टाइट किया, तो मीरब के जहन में बहुत वो जो पुरानी यादें वादें थी वो सब ख़त्म हुई। अब उसने बोला अब चलो स्टेप लूँ आगे जाके मैं, यार मतलब कब तक मैं इस तरीके से यादों में बैठी रहूँगी मैं। अब वो जा रही है, अब जाएगी सीधी घर पर, जो रंग में भंग मिलाया था जिस तरीके से हया ने रंग में भंग मिलाया था, अभी मीरब रंग में भंग मिलाएगी। तो मीरब ने साथ नहीं छोड़ा, यानी कि बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो जो भी चीज़ पहन रही है हया, तो वो कह रही है कि यार यादें उसी की चल रही साथ, वो तो चली गई उसी के साथ, चल गया वो इंटर होगी। जब वो इंटर होगी उसके बाद जो डायलॉग की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी मुस्तसिम की तरफ से, बच्चे को गोद में लेगा, अपने बच्ची को प्यार करेगा, गले से लगाएगा, और मीरब से तो वो ऐसा साथ जो बताएगा ही, उसके एग्रेशन, उसके फेस एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें उसको वो देखेगी, वो मतलब वो आउटस्टैंडिंग एंड दिखाएंगे यार। मकसद कहने का ये जो मुझे नज़र आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग एंड की तरफ जा, और उसकी जो डायलॉग होंगे वो सुनने वाले होंगे। मैं कहता हूँ वो डायलॉग जो अब आएंगे आगे, जो ये अब ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वो डायलॉग जब जिन दोनों का आमना सामना होगा, और जो एक दूसरे से जो वो डायलॉग की डिलीवरी होगी, वो डायलॉग की डिलीवरी सुनने वाली होगी, वो मैं कहता हूँ बड़े ज़बरदस्त होने जा रही है। तो आप ये देखिएगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें, तोहफा मिलता है हमको। आप जब सब्सक्राइब कर देते तो हम समझते हैं कि आपकी तरफ से हमें गिफ्ट मिल गया, तो सब्सक्राइब कर दें, अपना गिफ्ट हम तक पहुंचा दें। थैंक यू।